वेलकम टू माय व्लॉग दोस्तों। तो यहाँ देखिए सुबह सुबह बन रही है मैक्रोनी, बन गई है। तो आज मैक्रोनी मेरी तरफ से थी, भाई ने कहा मैक्रोनी बनाएगी ला रहे तू, बोलती कि मैक्रोनी खिलाऊंगे मेरे भाई को सुबह सुबह, मेरा मैक्रोनी खिला। भाई देखो हंस रहा है मेरे को, मत लेवल अगर तो मैंने ले लिया सही। गुड आफ्टरनून दोस्तों, तो व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। मैंने आपने सुबह देख लिया नाश्ते में क्या खाया हमने। वैसे तो मैंने पुलाव मैक्रोनी बनाई थी, और हमारी आ रखी जिट्ठी। आज मेरी जिट्ठी आ रखी है, और मम्मी और जो कुत्ते के लिए कल कुत्ता लाया था, देखा होगा आपने व्लॉग में। तो क्या कहते हैं उसको, पट्टा पहना रही मम्मी, देखो दिखा मम्मी पट्टा दिखा रही छोड़ ना कुत्ता ने पट्टा नहीं पहना मेरा, बट पट्टा ऐसे करता हुआ नहीं पहनाना, नहीं पहनाना कुत्ता दे रहा कुत्ता तेल है, उसे पट्टा ही पकड़ दिया मुँह से, नहीं पहनाना बोले मेरे को नहीं छोड़ा, कह रहा पट्टा नहीं पहनाना मेरे को, बोल मैं पहनूंगा ही नहीं कुछ भी, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। बोल कितना तेज है, इसको पता है कि पट्टा पहनाने वाला, तो मुझे पट्टा ही मुँह में डाल दिया। देख रहा कितना तेज कुत्ता है, भोटिया ये भोटिया मेल भोटिया गुस्सा है कि वो छोड़ने रहा, दादी लगी हुई है कोशिश में नैनो की, दादी भैया इसकी जहाँ से कुत्ता आया वहीं से कुत्ते का पट्टा भी मिला, इसका पाउडर भी, कहाँ जा रहा इसके पास में चिपक, अभी कुत्ता है वो, चाहे कुत्ता भी कुछ भी है पर कुत्ता तो है ना। भाई लोगों का विचार बन रहा है बजा जाने का, पता नहीं मुझे लेके जाने ले दे, लेकिन मैंने बोला चाहे मुझे भी ले जाओ साथ में, घर में बैठे बैठे बोर हो गए मैं, भैया कहाँ जा रहा है मुझे भी ले जाओ, ये पहन ही नहीं रहा, हेलो बोल अपन, हेलो मैं भी घर का नया सदस्य हूँ, भैया मेरे का पट्टा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो नहीं पहनूंगा पट्टा, काट दूंगा पर पहनूंगा नहीं। अरे हां भाई ये बात देख, इसने रस्सी काट दी कल रस्सी, हां इसको मतलब हमने इसको पट्टा नहीं माना था, कल इसको रस्सी पहनाई थी कि बोल के कि रस्सी से बंधा रहेगा, ये लड़का कुत्ता रात को रस्सी काट के चला गया। अरे ये जो कुत्ता इतना खेलने वाला था, ये जी ये भाग रहा है इससे दूर दूर। तो चलो मम्मी मैं आज अपने आपके खेत का सबको दिखाती हूँ कि खेत में क्या क्या है, तो मैंने बोला था कि मैं खेत में दिखाऊँ क्या क्या है, तो चलिए फटाफट से चलो मैं, मम्मी बताइए मम्मी ने कौन सी चीज कहाँ लगा रखी है, मैं आपको सारा दिखाते हूँ मेरे मम्मी ने क्या क्या लगा रखा है, धनिया लगा रही है, मम्मी चलो मम्मी चलो देखो फूल, देखो तो शुरुआत होती है यहाँ से फूल, ये मम्मी ने उगा रखा है फूल, ये देखो फूल कितना सुंदर है, ये तो ये देखो एक फूल ये रहा, चलिए एक फूल ये है, एक फूल ये है, ये वाला फूल खिलता है इसमें बड़े बड़े, ये जब बस जब हमारी सगाई हुई थी ना, सगाई नहीं नहीं सगाई भी हुई थी, सगाई में ये वाला फूल राज को दिया था पापा ने, ये वाला फूल तोड़ के। और चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ और क्या क्या उगा रखा है मम्मी ने, ये देखो ये भी एक तरीके का फूल है, अभी ऐसा फूल आएगा इसमें भी पिंक कलर का, तो अभी तो फूलों से ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये फूल है, और ये टमाटर देखो, ये देखो ये टमाटर, तो एक फूल का पेड़ ये भी है, ये सदाबहार है शायद से ना, और यहाँ देखिए ये लगा रखे मम्मी ने, टमाटर का पेड़ है ये रहे टमाटर, तो ये है टमाटर का पेड़, वाह मम्मी बहुत सुंदर, तो ये है मनी प्लांट जो जिसकी बेल जा रही है इतनी ऊपर तक, जो कि बहुत ऊपर जाएगी अभी, ये है सदाबहार का फूल, ये वाला भी उगा रखा है मेरी मम्मी ने, चलो ये वाला फूल है, एक ये वाला फूल है, एक ये वाला फूल है, और एक ये वाले फूल है, ये फूल फूल उगा रखे मम्मी ने, ये वाला फूल है, ये वाले फूल है, ये वाले फूल है, इसमें मम्मी ये क्या है दाने, ये फूल ही है, ये वो है वो मूली का बीज, किसके मूली का, ये मूली का बीज है, ये देखो एक टमाटर का पेड़ ही है भी, इसमें लाल लाल कुछ टमाटर लगे हुए हैं, ये देखो वाह अंदर भी लगे हैं, दो चार टमाटर आपको दिखेंगे नहीं, आ गया आ गया, देखो ये सब टमाटर है, इसमें हरे टमाटर भी लगे हैं अंदर से, ये लहसुन के पत्ते हैं, और ये है धनिया, ये देखो ये पूरा धनिया के खेत और लहसुन, ये धनिया मम्मी ने इसमें भी उगा रखा है,
ये देखो मेरी मम्मी ने गोभी भी उगा रखी है साथ में, भाई साहब मेरी मम्मी कलाकार हो रही है। ये देखो ये गोभी है, दिखाऊं गोभी? ये देखिए दोस्तों, ये मेरी मम्मी ने गोभी उगा रखी है, ये देखिए। ये देखिए ये गोभी है, आजकल हम गोभी की गोभी ही से खा रहे हैं, इसको परेशान कर रहे हैं मेरे को गंदगी का। देखो ये मेरी मम्मी ने पुदीना उगा रखा है, और तो ये देखिए दोस्तों टमाटर का पेड़ अभी थोड़ा बहुत उग रहा है, ये है। ये देखिए दोस्तों मेरी मम्मी ने जीरा तक उगा रखा है भाई साहब। तो ये देखिए दोस्तों ये उगा रखा है मेरी मम्मा ने पपीता, ओ माय गॉड, इसमें फूल है, गुलाब का फूल है। ये देखिए ये वाला फूल, तरस का फूल है। ये देखिए ये मेरी मम्मी के द्वारा उगाया गया फूल है अपने खेत के, यहाँ तरह तरह के फूल है। ये कागजी है हमारे यहाँ, बड़ा सा नींबू होता है उसे बोलते हैं कागजी, तो ये उसका पेड़ है। माय गॉड मम्मी तो पूरा बगीचा उगा रही है। छोटू सा पपीता आ रहा है हमारे इसमें, छोटू सा पपीता। ये देखिए दोस्तों ये मेरी मम्मी ने सजा रखा है, क्या है ये है अमरूद का पेड़, और इसी के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आम का पेड़ भी है, ये वाला पेड़ है। ये वाला भी आम का है, ये वाला भी आम का है, और वो देखो वो वाला, ये वाला हमारा पपीते का पेड़ है, इसमें देखो छोटा सा पपीता लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा हो गया पपीता, और इसके बगल में लगा हुआ है आम का पेड़, और इसके बगल में दो आम के पेड़ है, मतलब हम पे तीन आम के पेड़ हो गए है ना, दो यहाँ नहीं चार हो गए, दो यहाँ दो यहाँ, तो चार हमारे पास आम के पेड़ है। ठीक है, क्या है? हाँ तुलसी है, ये तुलसी है जो कि अभी सूख गई है क्योंकि ठंडियों का टाइम है ना, अब बाद में हरी भरी हो जाएगी। तो मुझे ये देखिए दोस्तों ये हरा हरा धनिया बो रखा है मम्मी ने, धनिया ले तोड़ के ना, तोड़ के ला रहे हैं धनिया कितने। ये देखिए जब भी धनिया तोड़ना होता था कभी बाजार से नहीं लेते, मेरी मम्मी ने उगा रखा है अपना धनिया खुद का घर में, धनिया लेने आ रखी है। और ये फूल उगा रखा है मम्मी ने, ये खिलता हुआ फूल, ये देखो यहाँ पे भी गोभी हो गई भाई साहब, आम का पेड़ अपने आप पता नहीं कहाँ से आ गया, सारे बच चुके, इसको तो उखाड़ के फेंकी मम्मी। साथ में ये सब गमले भी जो है मम्मी ने उगा रखे हैं। अब जिसको पता होगा, भैया मेरे को तो जितना पता है, मम्मी तो अंदर चली गई मम्मी कुछ काम करने के लिए, तो मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मम्मी को ही कह रही थी कि इसमें से कोई एक मिर्ची है, अब वो मिर्ची कौन सी वाली है मुझे तो पता ही नहीं है, ये है मिर्ची कि ये है मिर्ची, ये वाली बोला दादी ये मिर्ची, दादी ये है मिर्ची, बोला। ये तो के बगल वाली बोला ये वाली है। तो ये तो टमाटर है शायद से, नहीं मिर्ची है, धनिया के बगल में तो ये था, ये बताएगा कौन सी है मिर्ची। ये जीरा है देखना, ये पुदीना है। तो ये है लेमन ग्रास जो कि हमारे पास बहुत जगह है, तो एक लेमन ग्रास मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये शायद तेज पत्ता है जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे कंफर्म नहीं है पर तेज पत्ता ही है शायद से, कि मेरी मम्मी ने उगा रखे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है लहसुन के पत्ते, लहसुन के पत्ते की चटनी लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा होता है कि जिस टाइम हमें चाहिए उस टाइम मिलती नहीं, तो यहाँ पे जिसका जितना मर्जी मन करे वो उतने लहसुन के पत्ते की तोड़े और इसकी चटनी बना खाए। मेरी मम्मी कहता जब इसकी जो खुशबू होती ना, देख तो सुन, ऐसे लग रहा है कि चटनी बन रही है, है ना? हाँ खुशबू आ रही ना, हाँ ऐसा लग रहा है कि चटनी बन रही है ना, हाँ कितना टेस्ट है। ये तो अमरूद है, अमरूद का पत्ता तोड़ के लाई तू, कहाँ से लाई? तो मम्मी ने आप देखा कितना बढ़िया गार्डन है भाई, मतलब एक कहते ना जगह एडजस्ट करना किस तरीके से, मतलब मेरी मम्मी ने सब सब कुछ उगा दिया,
सब कुछ। अगर मैंने आपको दिखाया होगा, शायद मुझे नाम नहीं पता होगा, तो अगर आपको पता है उसका नाम, जैसे मैंने कोई एक पेड़ दिखाया और मेरे को नाम नहीं पता और मैंने दिखा दिया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा पेड़ मैंने दिखाया और उसका नाम मैं बताना भूल गई हूँ। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट दिखाई दिया, बस मुझे हरी मिर्च का समझ में नहीं आया। मम्मी कह रही हरी मिर्च मैंने बो रखी है और हरी मिर्च मेरी समझ में नहीं आया कौन सा था। कौन सा रहा होगा नैनू? मेरे को पता है, इसको बहुत पता है, झूठ बोलती है, इसको कुछ नहीं पता। नहीं तो झूठ बोलती है, तेरे को नहीं पता। दादी ने बोला कि जो छोटा वो छोटा छदी थी ना, उसकी के बगल में जो छोटे छोटे पत्ते थे ना, वही थी मिर्च। सच्ची? हाँ, ये बोले जा रही है। छोटे छोटे पत्ते तो यार बहुत सारे में छोटे छोटे पत्ते, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कौन से वाली हरी मिर्च। अरे मेरे को पता है, चलो दिखाओ दिखाओ। गोभी उगा रखी है मम्मी ने, इस बार आलू नहीं उगाया। मेरे मम्मी आलू भी उगाते, पर इस बार मेरी मम्मी ने आलू नहीं उगाया। ये देखो, बता कौन सी है हरी मिर्च। चल वो टमाटर है ना। ये क्या है फिर, घास घास सी। भाभी एक हरी मिर्च कौन सी इसमें से? हाँ यही होगी है। चलो मम्मी ने यार बहुत अच्छा खेत बना रखा कसम से, मेरा तो दिल खुश हो गया भाभी गार्डन देख के। ये बात है, बस इसमें से ये प्याज है भाभी, और क्या क्या उगा रखा मैंने, तो ये पूरे खेत हमारा प्याज का है। इस वाली क्यारी में मैंने मम्मी लगाया, इस वाली क्यारी में मम्मी ने लगाया, इस क्यारी में मैंने मम्मी लगाया, उस क्यारी में तो ये भाभी और मम्मी की मेहनत के प्याज है। हाँ, दोनों सास बुआ इस हाथ में बैठ के खाना, ठीक है। हम लोगों ने बनाए क्यारी सारी हैं चारों, और मैंने इनके पत्ते हटाए। बेटा तूने कई प्याज के पत्ते तूने हटा दिए? अच्छा पत्थर हटाए, तो ये पूरा प्याज का खेत उगा रखा है। वाओ, ये क्या गोभी? पालक कुछ भी मत बोलो, पालक है हैं? पालक वो मेरे को मेरा और बेटी का आपस ला रही है। अरे ये तो घर है, पालक है हैं? घर है नहीं है, घर है वैसे होते हैं कांटे कांटे वाले, थोड़ा पत्ते अलग होते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा खेत। क्या खाना, हम खाना खाने जा रहे हैं। आ गई मम्मी, सबके सब तो अंदर बैठे खाना खाने के लिए, मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए।